हम सभी हमारे चर्चस में हम दान देते हैं, वो कोई कार्यक्रम के लिए हो या किसी की सहायता के लिए हो, लेकिन हम दूसरों की तुलना करके हम देखते हैं। इसके बारे में हमारी साधना के 48वां दिन हम विशेष मनन करेंगे। तो आइए हम अपने आप को तैयार कर लें, अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लीजिए और जो निर्धारित जगह है आपकी वहां आप जाकर बैठ जाइए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में हम रखें। आइए हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति इतनी दयालु बनने के लिए। तो हमें ना केवल हमें जीवन दिया है, हमें सुख सुविधाएं दी है, हमें अपने समान बनाए हो और हमें सब कुछ दिए हो। हे प्यारे पिता, हमारे पास ये सब होने के बावजूद हम शिकायत करते हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आज की साधना के द्वारा हमें शिक्षा दे कि हम हमारे जीवन को तेरे लिए कैसे हम अर्पित कर सके, तेरी महिमा के लिए कैसे हम अपने आप को दे सके। पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें संचालित करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने जैसे इसराइलियों को इस विधवा का उदाहरण लेकर शिक्षा दिए, वैसे आज भी हमें भी सिखाने की कृपा कर, ताकि हम तेरे पच्चनों पर चलकर तेरे समान अपने आप को ईश्वर की महिमा के लिए, लोगों के उद्धार और भलाई के लिए हम अपने आप को अर्पित कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज हमारी साधना के लिए जो पाठ हम चुने हैं वो है संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से 44 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 41 टू 44। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। आई एम इस पाठ को 2-3 बार ध्यान से प्रार्थना के माहौल में हम पढ़ें, ताकि इसमें जो रहस्य छिपे हैं इन सबको हम समझ सके। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। हम मनुष्य सामान्य रूप से देना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में देना चाहते हैं। क्या आप देना चाहते हैं या पाना चाहते हैं? केवल धन दौलत नहीं, उसका केवल नहीं है, अपना सब कुछ, कुछ भी हो, प्रेम हो, क्षमा हो, सुख शांति हो, कोई भी बात हो, आप देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं? आज के इस परिवेश में जब हम सबको ही कुछ पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु एक विधवा का, जिसका ना तो पति था, ना बच्चे थे, ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, लेकिन एक सिक्का था उस समय का। हम उदाहरण ले लेते हैं, 1-2 रुपया उसके पास उतना ही था। वह ईश्वर के पास आकर मांग नहीं कर रही है कि प्रभु मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे दो, उल्टा अपने पास जो कुछ था वो सबको दे डालती। ये क्या प्रकट करता है? ईश्वर पर अपना भरोसा, विश्वास ये प्रकट करता है। विधवा जिसके बारे में पुराने विधान में हम देखते हैं, विधवा का देखरेख स्वयं ईश्वर करता है। इसलिए यहां विधवा का उदाहरण प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। हो सकता है वहां और भी कुछ लोग इनके समान, कुछ मां, कोई बहन या कोई भाई वहां आके सिक्का डालकर गए होंगे, लेकिन विधवा का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर कहते हैं मैं विधवा का देखरेख स्वयं करता हूं। इसलिए यह विधवा इस सच्चाई को पूर्ण रूप से मानते हुए, विश्वास करते हुए
अपने पास जो कुछ था वो ईश्वर को दे देती है और कहती है अभी मेरे पास कुछ नहीं है भैया, अभी मेरी जिम्मेदारी यानी मुझे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, पूर्ण रूप से अपने आप को दे डालना। ईश्वर की दया भी हमें यही सिखाती है, पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा करना। इसलिए दया का जो चित्र है प्रभु येसु का, उसके नीचे वही लिखा हुआ है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, हे प्रभु येसु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। कि हम इस विधवा के समान ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भरोसा करके अपने आप को उनके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं। जब देने की बात आती है हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, लेकिन जब लेने की बात आती है हम हिसाब नहीं करते हैं, है ना। जब मान लीजिए कहीं कोई कुछ हमें दे रहा है, हम 10-15 लोग हैं, क्या कभी भी आप उनके पास वापस ले जाके कुछ दिए? आप उनको कुछ 50 ही दिए हैं लेकिन मुझे आप 55 दिए हैं, ले लीजिए 5 वापस रख दीजिए, हम कभी कहे हैं? हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए हमें 50 मिला है लेकिन और किसी को 55 मिला है, हम उस व्यक्ति से लड़ने के लिए चले जाएंगे, आप उनको कैसे 55 दिए हैं मुझे केवल 50 दिए हैं? 5 कम हो गया, वो पैसा हो धन दौलत हो कुछ भी चीज हो, देने की बात आती है तो हम हिसाब करते हैं, लेने की बात आती है तो हम हिसाब करना नहीं चाहते। यहां ये विधवा, उसके पास कुछ भी नहीं था बचा हुआ, केवल और केवल एक ही सिक्का था, लेकिन वो कल की चिंता किए बिना पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित करती है। हमारी पल्लियों में या अन्य समुदाय के कोई भी कार्यों में हम जब सहयोग देने की बात आती है, हम जो महीने में कुछ 50-60-70 हजार रुपया कमाते हैं, हम रोजी रोटी कमाकर अपना परिवार का देखरेख करने वाले हमारे भाई बहनों के साथ हम अपनी तुलना कर लेते हैं। रोजी कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया देता है, मान लीजिए वो एक दिन में 200 रुपया कमा रहा है तो पूरे महीने में कितना रुपया हो गया? कुछ 6000 रुपया। और ये 6000 रुपया भी वास्तव में हम मूल्यांकन करें तो हमें पता चलता है कि ये पूरे महीने में ये काम पर नहीं जा पाते हैं, या तो काम नहीं मिलता है या उन्हें छुट्टी मारना पड़ता है। लेकिन हम जो नौकरी करते हैं हमें छुट्टी के दिन भी वेतन मिलता है। हम अपने आप को हमारे उन भाई बहनों के साथ तुलना करके हम हिसाब करते हैं, या हम जब उनसे थोड़ा ज्यादा दे दिए तो हम अधिकार जताने के लिए आ जाते हैं, हम अपने आप को बढ़ा करके दिखाते हैं, मैं सब देता हूं, मेरे कारण यहां पल्ली में सब हो रहा है, तो मेरी बात मानिए आप, वो गरीब बेसहारे लाचार लोगों को छोड़ो, ये कौन है? हमारी पल्लियों में ये होता है। लेकिन ईश्वर हमारे सामने इस विधवा का उदाहरण देकर हमसे कहते हैं, एक मापदंड हमें देते हैं। पद संख्या 44 में 44 में प्रभु येसु यही कहते हैं, सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला। देखिए लोगों के पास लाखों रुपया था, उसमें से उन लोग कुछ हजार रुपया डाल दिए। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं उसमें 10 हजार रुपया दे दिया, क्या हो गया? लेकिन देखने वाले क्या बोलेंगे, बाप रे बाप, ये तो आज दान में 10 हजार रुपया दे दिया है लेकिन मेरे पास कितना बच गया है? हम उसके हिसाब नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर उसके हिसाब करते हैं। जो बच गया है देने के बाद जो बच जाता है, ईश्वर उसका हिसाब करते हैं। और प्रभु यीशु आगे क्या कहते हैं, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी यानी गरीबी में रहते हुए भी, जरूरत में रहते हुए भी, जीविका के लिए जीवन के लिए अपने पास जो कुछ था उसके पास और कुछ बचा नहीं था, वह सब दे डाला। इस पूरे वाक्य को मिलान करके आप देखिए, यदि आपके हाथ में बाइबल है तो आप पकड़िए, देखिए लिखते हैं, सब ने यानी अन्य सभी लोगों ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला। किससे डाला? समृद्धि से। लेकिन यह विधवा किससे डालती है? अपनी तंगी में, गरीबी में, बेसहारे की उस स्थिति में रहते हुए भी, और उसकी जीविका के लिए और कुछ बचा नहीं है। उसकी स्थिति यह है, अन्य लोगों की स्थिति समृद्धि लखपति, उन लोग कुछ डालते हैं लेकिन यह महिला सब दे डालती है। वहां उनके पास समृद्धि है, इसके पास गरीबी है, उन लोग कुछ डालते हैं अपनी समृद्धि से, लेकिन यह विधवा अपनी गरीबी में रहकर अपना सब कुछ दे डालती है। तो यह मापदंड यह है
ये देखना है कि देने के बाद मेरे पास कितना बच जाता है, ना कि मैं कितना देता हूं। मापदंड ये होना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में यही है देने वाले का। धनवान की बात ईश्वर ऐसे देखते हैं। हम मनन करें, ये केवल धन दौलत की बात नहीं है। मैं केवल एक उदाहरण के लिए जैसे प्रभु यीशु यहां इस घटना को हमारे सामने रखे हैं, उसी प्रकार समझने के लिए सब मैं कहा। हमें इसी बात को, जो वरदान ईश्वर हमें दिए हैं, जो टैलेंट्स हमें मिला है, समय हमें मिला है, इससे हम ईश्वर को कितना देते हैं, लोगों को कितना देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं इतना सालों से मैं मेहनत करते आ रहा हूं, मैं ये सब करते आ रहा हूं, दूसरों को भी करने दीजिए। ईश्वर वैसे हिसाब नहीं करता, उनका मापदंड अलग है। इसलिए संत मदर तेरेसा ने भी कहा है, यदि देते समय आपको दर्द नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप दे नहीं रहे हैं, देते समय हमें दर्द होना चाहिए। उस विधवा को बहुत दर्द दिया होगा वो देना, उसके पास और कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा होगा। जैसे हमारे समाज में हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास जगह खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। ये बताने के लिए कि मेरे पास कुछ बचा है ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो कहने के लिए हम ये कहते हैं। लेकिन उस स्त्री को देखिए, पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखकर अपना सब कुछ दे डालती है। मेरी पल्ली में भी ऐसी एक माँ है, विधवा है वास्तव में। वो बहुत बीमार भी रहती है, उसका हाथ भी टूट गया है, वो पट्टी बांधकर काम पे जाती है, पता नहीं एक दिन में उसको कितना मिलता होगा। लेकिन हर रविवार मैं चढ़ावा में देखता हूं, वास्तव में छोटी सी पल्ली है तो पता चलता है वो कम से कम 50 रुपया डालेगी, कम से कम, और हाथ में चावल भी लेके आई। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि चढ़ावा में हमारे हाथ में उस चावल के साथ वो लेके देती है। एक विधवा, उसका बेटा है, बेटी लोगों को शादी करा दी है, लेकिन उस स्थिति में भी वो देने के लिए तैयार है। जबकि अन्य बहुत सारे लोग जो परिवार में दोनों पति पत्नी हजारों हजारों कमा रहे हैं, इतना नहीं देते हैं। यही है ईश्वर पर भरोसा। और जब कभी कोई भी प्रार्थना रहे, वो जरूर पहुंच जाती है। ये सब बातें ये प्रकट करती है कि वह अपने पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर पर भरोसा करती है। आइए हम अपने दिल की जांच कर देखें, हम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें और इन पर मनन करें। आइए हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। प्रत्युत्तर, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे जीवन दिया है, महान वरदान दिया है, अच्छी बुद्धि समझ तूने मुझे दी है, इन सबके साथ साथ तूने मुझे अच्छा परिवार भी दिया है। लेकिन जब मुझसे तू कुछ मांगता है तो मैं हिसाब करने लगता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास नहीं है, ये तेरी कलीसिया के लिए हूं, समाज के लिए हूं, परिवार के लिए हूं, मैं देने से इनकार करता हूं। लेकिन हे प्रभु, तू अपना सब कुछ दे डाला मेरे लिए, अपना संपूर्ण जीवन, यहां तक अपने शरीर का आखिरी बूंद रक्त और जल अपने पवित्र हृदय से निकालकर खाली कर दिया और मुझे बताया मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है देने के लिए। तो इस विधवा का उदाहरण देकर मुझे भी बताता है कि इसी के समान तू मुझे सब कुछ दे डाला है, सब कुछ। लेकिन प्रभु, आज भी मैं गरीबी में रहने का अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं तुझ में भरोसा नहीं करता, मैं तेरे से जुड़कर जीता नहीं हूं, मैं अपनी एक अलग दुनिया बनाकर उस दुनिया में मैं स्वयं ईश्वर बनकर मैं अपना जीवन का संचालन करता हूं, और मैं जैसे दूसरों का उपयोग करता हूं वैसे ही तेरा भी उपयोग करता हूं। मेरी इच्छा मैं तुझे बताता हूं और तेरे द्वारा मैं उसको पूर्ण करने के लिए एक प्रकार से मैं तुझे आदेश देता हूं। हे प्रभु, मुझे इस विधवा का मनोभाव दे कि मैं हिसाब किए बिना पूर्ण रूप से सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तुझ पर अपना भरोसा प्रकट करते हुए सब कुछ मैं दे सकूं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी बहुत सारी बातें उमड़ रही होंगी,
उन सबको आइए हम प्रभु पर प्रकट करें। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, आज की साधना के द्वारा तू मुझे वास्तव में हिला के रख दिया है। तू बताता है कि यदि तेरे समान मुझे बनना है तो तेरे समान मुझे देना भी सीखना है, क्योंकि तू प्रेम है और प्रेम देता है। कोई वस्तु या चीज केवल नहीं बल्कि अपने आप को देता है, और इसलिए तू आज मुझे चुनौती देते हुए कहता है कि मैं भी अपने आप को देना सीखूं, अपना समय, अपना धन दौलत केवल नहीं अपने आप को पूर्ण रूप से देना सीखूं। प्रभु मुझे एक कृपा प्रदान कर ताकि मैं तेरा भाई और पिता ईश्वर की सच्ची संतान मैं सिद्ध हो सकूं, मैं उसका सबूत अपने जीवन के द्वारा मैं दे सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम हमारे मन में उमड़ रही प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आइए हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज की साधना के द्वारा ईश्वर आपसे क्या चाह रहे हैं उसको निर्णय के रूप में आप लीजिए। विशेष रूप से ईश्वर हमें जो दिए हैं उसको पहचानना, उसको स्वीकार करना और वास्तव में उसको ईश्वर का मानना, मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का मानना, ये अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जब देने की बात आती है खुल कर देना, ईश्वर को ध्यान में रखकर देना, ईश्वर की संतान के रूप में देना, शैतान के समान नहीं। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, वापस पाने की अपेक्षा किए बिना देना। आइए इनके साथ साथ ईश्वर आप पर जो भी बातें प्रकट किए हैं उनको निर्णय के रूप में आप अपनी डायरी में लिखिए और आज से ही इनको अपने जीवन में अमल करने शुरू करिए। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, आज की साधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज की शिक्षा के लिए जिसके द्वारा तू हमसे कहता है कि हम भी तेरे समान बने। जैसे तू हमें अपने पुत्र को दिया, अपने लाडले को दिया, अपना सब कुछ दिया उनके साथ, और हमसे भी मांग करता है कि हम भी तेरे समान अपने आप को दें। अरे पिता, हम उस विधवा के समान, तेरे पुत्र के समान तुझ पर दृढ़ भरोसा रखकर, जैसे तेरे पुत्र ने अपने आप को खाली कर दिया, बलि चढ़ा दिया, हम भी तुझसे प्यार करते हुए, तुझ पर दृढ़ भरोसा करते हुए अपने आप को 100% पूर्ण रूप से उस विधवा के समान, तेरे पुत्र के समान पूर्ण रूप से तेरी महिमा के लिए अर्पित कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आज के इस विशेष दिन के लिए, इस साधना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे कृपा मांगते हैं। हमें भी कृपा दे कि हम भी तेरे पदचिन्हों पर चलकर अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर सके। जैसे तूने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। हम भी अपनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, ईश्वर की सभी संतानों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से बलि चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए सामने आगे आ सके। ए हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ प्रार्थना करिए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के समान, ईश्वर की सच्ची संतान बनकर उनके समान अपने आप को, अपना सब कुछ देने वाले बने, लेने वाले केवल नहीं, ताकि हम ईश्वर की सच्ची संतान सिद्ध हो सके। प्रभु यीशु के पदचिन्हों पर चलकर उनके समान अपने आप को ईश्वर की महिमा के लिए, दूसरों की भलाई और मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पित करने वाले बनकर जीवन के इस राह पर हम आगे बढ़े। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।